फोर एम जो है इनको फोर पुरुषार्थ से, चार पुरुषार्थ से भी कनेक्ट करा है, तो वो थोड़ा सा संक्षिप्त में भी बताया, फिर हम डिटेल उसकी चर्चा करें। भगवान को सुनने का या उनके प्रवचन सुनने का सबसे बड़ा जो उपयोगिता उसकी यह रहती है कि स्वामी गुण से गुण बात को इतनी सरलता से रख देते हैं कि जो ज्ञान शायद हमें कई वेदों के पठन पाठन के बाद या कई उपनिषद पढ़ने के बाद मिलेगा, स्वामी उसको इतनी सिंप्लीफाई करके एक लाइन में बता देते हैं। तो वही मैं आपके सामने बताऊंगा कि किस तरह स्वामी ने इन फोर एफ्स को चार पुरुषार्थों से जोड़ा है। और चार पुरुषार्थ जो भगवान बोलते हैं, जो कि हमारे वेदों में लिखे हुए हैं, वह है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो हर एफ जो है, जो पहला है फॉलो द मास्टर, वह धर्म के लिए है, फेस द डेविल उसके लिए अर्थ है, फाइट टू द एंड वह काम है, और फिनिश द गेम वह मोक्ष है। और मतलब यह निकलता है कि इन सब क्या फोर एफ से क्या संबंध। तो भगवान ने बहुत सिंपल तरीके से बोला है कि धर्म के मार्ग पर चलते हुए अर्थ कमाने का प्रयास करो, अपनी कामनाओं को शांत करते हुए मोक्ष को प्राप्त हो जाओ, और अंत आपकी कामना, अंतिम कामना, सब कामनाओं को पूर्ण करने के बाद यह रहनी चाहिए कि मुझे भगवान के साथ मोक्ष की प्राप्ति करनी है, मुझे भगवान के साथ बिल्कुल लीन होना है, यही आपकी एक अंतिम कामना रह जानी चाहिए। तो कहने का तात्पर्य वापस यही कि धर्म के मार्ग पर चलते हुए आप अर्थ कमाइए, उस अर्थ को जो आप कमाते हैं उससे अपनी कामनाओं को शांत करिए, और अंत में भगवान से लीन हो जाइए।